तो वेलकम बैक, ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स में स्वागत है। हमारा पहला न्यूमेरिकल है द वैल्यू ऑफ कॉट 30 माइनस कॉट 75 डिवाइडेड बाय टैन 15 माइनस टैन 16 इज। तो हमने हमारे पार्ट टू में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नाम का कंसेप्ट पढ़ा है, जिसमें हमने देखा है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा is equals to sin theta and so all। ये tan के लिए भी applicable है, tan 90 minus theta is equals to cot theta, right? And cot 90 minus theta is equal to tan theta। तो ये concept हमने part 2 में पढ़ा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा part 2 video देखिए। तो ये concept का हमको यहाँ इस्तेमाल करना है। यहाँ cot 30 जो लिखा है, cot 30, तो उसको tan के रूप में cot 30 लिखा हुआ है, मतलब theta की value 30 है, तो मैं इसको tan 90 माइनस 30 लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा tan 90 माइनस 30, ये cot 30 की जगह मैंने लिखा, माइनस cot 75 को मैं लिखूँगा tan 90 माइनस 75, और डिनोमिनेटर वैसे रख रहा हूँ, दैट इज़ tan 15 माइनस tan 60। सो यू कैन सी tan 60 विल बी देयर, ऊपर जो आएगा ये tan 60 आएगा 90 माइनस 30, ये आएगा tan 15, और नीचे ऑलरेडी tan 15 माइनस tan 60 ऑलरेडी है नीचे। तो ये माइनस साइन अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं tan 15 पॉजिटिव, tan 60 नेगेटिव, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम कट जाएंगे, बचेगा 1, आंसर विल बी माइनस 1, डी विल बी द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 12, देन सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा विल बी हाउ मच। तो ये सेक टू द पावर 4 थीटा, ये जो क्वेश्चन जो हमको पूछा है, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। This is in the form of a square minus b square, which can also be written as sec square theta minus tan square theta into sec square theta plus tan square theta। ठीक है, ये वैल्यू ऑलरेडी हमको दी है 7 डिवाइडेड बाय 12, और ये वैल्यू होती है 1, सो 1 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12, सो आंसर विल बी 7 डिवाइडेड बाय 12, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर इन दिस केस। ये 1 क्यों होता है, बिकॉज 1 प्लस tan square theta इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। सो अगर इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये यहाँ पुट कर दिया इसकी वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 12 गिवन है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 12, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी वी कैन पुट द वैल्यू, वी डोंट नीड टू पुट फाइंड द आर एच एस, वी कैन पुट एनी वैल्यू, सब्सटीट्यूशन इज द प्रोसेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वॉट वी कैन डू हियर, वी कैन पुट थीटा इज इक्वल टू 60, वी कैन पुट द थीटा इज इक्वल टू 45 ऑल्सो, इफ वी पुट द थीटा इक्वल टू 45 दिस टर्म पर्टिकुलरली 1 माइनस 45 टेन 45 1 माइनस 1 0 विच विल बी अनडिफाइंड, सो इट इज नॉट गुड टू पुट दिस थीटा इक्वल टू 45। और 30 पुट करेंगे तो 1 अपॉन रूट 3 वगैरह वैल्यू आएगी जो सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा, तो इट इज़ कन्वीनियंट टू पुट टैन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, इट इज 1/4 माइनस 1 इंटू 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3, so this is going to be 2 1 minus 2 minus 1/2, right, minus 1/2 into 1 plus root 3 ka square plus 1 minus root 3 ka square divided by 1 minus 3, ठीक, so this is going to be minus 2 and this will become 1/4, this will be 1 plus 2 root 3 plus 3 plus 1
minus 2 root 3 plus 3. This will get cancelled out. 3 plus 3 6 plus 2 8. 8 divided by 4, answer will be 2. So the answer for this question is 2. Why not 45 is very important here. We cannot put 45 here. This is the substitution method. Substitution method. Right? So here in this question, they are asking us to simplify the given expression. They are not asking us to find the value, but they are asking us to simplify it. The given expression is sin A into cos A into tan A minus cot A. Okay. This condition is obviously we are expecting the result in the first quadrant. So 0 to 90. Okay. So what we can write about tan A, it will become sin A divided by cos A minus cos A divided by sin A. Right? And here it is sin A into cos A. So if you cross multiply it, it will become sin square A minus cos square A divided by sin A into cos A. Right? Or yahan pe bhi sin A into cos A hai yahan pe. So these two gets cancelled out. What remains? Sin square A minus cos square A. But there is no result like this here. So we can put cos square A as 1 minus sin square A. So we can write here it is sin square A minus 1 minus sin square A. This minus sign get multiplied to this minus 1 and this will become plus sin square A. And already here it is a sin square A get added to it, so it will become 2 sin square A minus 1. So option D will be the answer for this question. Again, this is a question to simplify the given expression. So we can see here that is sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos theta. We can take out sin theta common here. Sin theta common 1 minus 2 sin square theta divided by this will get common cos theta, which will be 2 cos square theta minus 1. Now you can see these two things are same. How? We know the formula of cos 2 theta. It is 2 cos square theta minus 1, which is also equals to 1 minus 2 sin square theta. मतलब ये दोनों values जो है ये cos 2 theta की values है. मतलब इसको मैं cos 2 theta लिख सकता हूँ और इसको भी मैं cos 2 theta लिख सकता हूँ. तो these two get cancelled out. मतलब ये कुछ बचा ही नहीं. बचा sin theta upon cos theta, जिसको हम लिख सकते हैं tan theta. तो इसका answer रहेगा tan theta option C. Now here in this question, the value of tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree till tan 89 degree ये हमको पूछा है. तो tan 1 degree को ऐसे पहले तो ये बता दो कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर एक तो 0 आता है या फिर 1 आता है. तो ये दोनों के चांसेस वैसे ही कम है. ठीक है, एक तो इसका आंसर 1 आएगा या 0 आएगा. हम देखेंगे कि इनका आंसर क्या आ रहा है. ठीक है, सो tan 1 degree, ठीक है, tan 1 degree को मैं लिख सकता हूँ. ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री टिल tan 89 डिग्री. ठीक है, tan 90 होता तो क्या आ जाता, sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90. cos 90 0 होता है, तो इट विल बिकम अनडिफाइंड. इट विल बिकम अनडिफाइंड. ठीक है, tan 1 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस 1 डिग्री. इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 2 डिग्री एंड सो ऑल. बीच में tan 45 आएगा और फिर tan 46 एंड सो ऑल, और आखिरी में tan आएगा 88 और tan 89. सो cot 90 माइनस 1 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ cot 89 और यहाँ पे भी एक tan 89 है आखिरी में, तो ये cot 89 और tan 89 कट जाएंगे. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे cot 88 आ जाएगा, यहाँ पे भी tan 88 है एक आखिरी में, तो ये tan 88 भी कट जाएगा cot 88 के साथ.
सब कटने के बाद बीच में सिर्फ बचेगा tan 40 बाई जिसकी वैल्यू होती है 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा 1। तो आज के लिए इतना इनफ है दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल रोशन बंडे को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो कि एग्ज़ाम में आने के जिसके चांसेस है, और जो भी मेरे शॉर्टकट ट्रिक्स रहेंगे वो सारे वीडियोस में आप तक पहुंचा सकूँ, और आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करें। इस हिसाब से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।